जिला ब्यूरो चीफ सऊद खान की इस वक्त की बड़ी खबर हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं और ये खबर आ रही है सीधे राजगढ़ मध्य प्रदेश से। अंतर्राज्यीय कुख्यात सांसी गैंग के दो सदस्य गिरफ्तार। 54 लाख के गहने मिले, चोरी का सोना रखकर ज्वेलर लेता था गोल्ड लोन। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों तक पहुंची, चोरी का माल लेकर भागते समय हुए कैद। राजगढ़ पुलिस ने मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में होने वाली चोरी की बड़ी वारदातों को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय कुख्यात सांसी गैंग के दो शातिर बदमाश समेत चोरी का माल खरीदने वाले ज्वेलर को गिरफ्तार किया है। आरोपी ज्वेलर कम दाम में चोरी का माल खरीदकर बैंक से गोल्ड लोन ले लेता था। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने करीब 54 लाख की कीमत के गहने बरामद किए हैं। एसपी आदित्य मिश्रा ने बताया कि आरोपियों ने चोरी का सामान पचोर के भरत पिता बद्रीलाल सोनी को बेचना बताया था। इस पर भरत सोनी को पचोर से गिरफ्तार किया गया। कुछ सोना आरोपियों के घर से भी बरामद हुआ। पूछताछ में उसने बताया कि चोरी के सोने पर उसने गोल्ड लोन ले रखा है, जिसकी जब्ती बैंक से की गई। जिला ब्यूरो चीफ सऊद खान की खास रिपोर्ट। इसके चलते हमने सीसीटीवी फुटेज और जो हमारा टेक्निकल पीएसटीएन डेटा होता है उससे एनालिसिस करना शुरू किया, तो हमें दो वारदातों के बीच में कॉमन नंबर्स मिले, जो कि वारदात से पहले जीरापुर और खिलचीपुर में एक्टिव रहते थे, परंतु वारदात के बाद कुछ भी समय के लिए पूरे राजगढ़ जिले में कहीं भी एक्टिव नहीं रहे हैं। हमने जब इन नंबरों की तस्दीक शुरू की तो हमें पता चला कि ये वर्तमान में नंबर्स इंदौर में एक्टिव हैं। फिर इंदौर पुलिस की मदद से हमने वहाँ जो बाणगंगा थाना क्षेत्र है वहाँ पर रेड करी, तो रेड करने पर जो एक आरोपी है उसको गिरफ्तार किया था, जिसका नाम लोकेश पिता बद्री विश्वकर्मा है। चोर के द्वारा जब वो चोरी करता था तो जो कपड़े होते हैं वो उतार दिए जाते थे, और या तो अगर दुकान में कोई कपड़ा मिल जाए या कंबल मिल जाए या छाता मिल जाए या पन्नी मिल जाए तो उसको अपने ऊपर ढक के उसके बाद चोरी करता था। इससे जब इस तरह में पूछताछ की गई कि ये ऐसा विशेष तरीके से क्यों चोरी करता था, तो इसका जो इसकी अंडरस्टैंडिंग थी कि शायद अगर मैं ऐसे नहीं करता तो मेरे निशान या साक्ष छूट जाते जिससे पुलिस मुझे पकड़ पाती। इसका नाम है लोकेश पिता बद्री विश्वकर्मा, जो मूल निवासी बिजली ऑफिस के पीछे जीरापुर का है, परंतु वर्तमान निवासी बाणगंगा थाना क्षेत्र जो इंदौर में आता है।